बटनगर विधायक मुरली मोरवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कोर चौराहा पर बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं एसडीएम निधि सिंह को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ एसडीएम के देरी से आने पर विधायक एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व गंभीर आरोप लगाए। हालांकि थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विधायक का आरोप था कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां जोरों पर चल रही है। विधायक का यह तक का कहना था कि जुआ, सट्टा, चरस, गांजा, अफीम क्षेत्र में ढल्ले से संचालित हो रही है, जिसको लेकर विधायक मुरली मोरवाल ने एसडीएम निधि सिंह को भी अवगत कराया। इसी के साथ थाना प्रभारी को देखा, जिस पर थाना प्रभारी ने मौके पर ही जवाब दे दिया कि हमारे द्वारा ऐसी कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन विधायक द्वारा लगाए गए इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और यह आरोप कितनी हद तक का सही साबित होते हैं। बिजली के बिल माफ करो, दरबार को साफ करो, बिजली के बिल माफ करो, दरबार को साफ करो। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जी बताएं, आज के संबंध में आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया और नारेबाजी भी की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला विद्युत मंडल को लेके, विद्युत मंडल द्वारा लाइटें काटना, 12-12 घंटे लाइटें नहीं देना, बिल अनाप शनाप देना, अधिकारी वर्ग विद्युत मंडल ऑफिस में नहीं मिलना, दूसरा डीजल पेट्रोल गैस टंकी और सभी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया था। दूसरा अधिकारी द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव में आके झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। उन सभी मामले को लेके आज हमने धरना दिया था। हम चाहते हैं कि बढ़ने के तहसील के अंदर जुआ, सट्टा, दारू, अफीम, चरस नहीं बिके, कांग्रेस कार्यकर्ता को परेशान नहीं किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता रिपोर्ट डालने जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। इन सभी मामलों को लेके हमने 12 बजे से 2 बजे तक कोर्ट चौराहा धरना दिया था। उसके बाद एसडीओ मैडम यहाँ पे उपस्थित नहीं हुई, अधिकारी वर्ग नहीं हुआ। 1 घंटे हमने एसडीओ कार्यालय के सामने दरी बिछा के हमने धरना दिया। उसके बाद एसडीओ मैडम आई और हमारी सब समस्याओं के बारे में हमने चर्चा किए और चर्चा सिर्फ नहीं होने पर, नहीं निपटने पर 8 दिन का हमने टाइम दिया है। इसके बाद हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम कमिश्नर साहब का घेराव करेंगे, आईजी डीआईजी ऑफिस का घेराव करेंगे और अपनी मांग किसानों की और व्यापारियों और गरीबों की मांग हम मनवा के रहेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।